हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो हमारा ऑप्शन ए भारतीय। भारतीय ठीक है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, ए में हिंदी है, बी में संस्कृत, सी में तमिल, डी में उर्दू। कौन सी है? हिंदी। ऑप्शन ए। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ पे? हुआ है अपभ्रंश से, लैटिन संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। हमारा ऑप्शन 3 नंबर का ए अपभ्रंश से। चौथा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ए में कन्नौज, बी में बंगारू, सी में अवधी, डी में तेलुगु। कौन सी नहीं आती? चौथा का डी, तेलुगु नहीं आती। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा में, काव्य भाषा में। 5 नंबर का डी, ऑप्शन डी, काव्य भाषा में। भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारत वर्ष में पहला राजभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा विभाषा, चौथा तकनीकी भाषा। किस भाषा में रखेंगे? राजभाषा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, सॉरी ढूंढाडी बोली है, पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो यह हमारा बी नंबर, पूर्वी राजस्थान की। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी। तो 8 नंबर का क्या होगा? डी, पुरानी बंगाल, बंगला, पुरानी बंगला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़ीसा, मराठी, सिंधी। 9 नंबर का सी, सिंधी। 9 नंबर का डी, सॉरी सॉरी, 9 नंबर का सी, मराठी। 9 नंबर का सी, मराठी भाषा में लिखी जाती है। एक मनई के 2 बेटवे रहिन, ओ माँ लहुरा अपने बाप बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमको दे दो। यह अवधारणा हिंदी की किस बोली में है? कौन सी बोली में है? 10 नंबर के सी, अवधी। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। तो हमारा डी नंबर, ऑप्शन पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? 12 नंबर का शारदा लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राही लिपि से। तो हमारा डी नंबर, ब्राही लिपि से। हिंदी में, हिंदी 13 नंबर क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में,
सौराष्ट्री लिपि में, ब्राह्मी लिपि में गुरुमुखी, कौन से ऑप्शन होगा? 13 नंबर का देवनागरी सी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, कौन सी है? 14 नंबर का अवधी बद्र भाषा खड़ी बोली देवनागरी है टी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, कौन सी है? 15 नंबर का पूर्वी हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी को बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, बज्र, कन्नौज, बघेली, कौन सी नहीं है? 16 नंबर का डी, बघेली नहीं है। इसके आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? इसमें 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक, कौन सी में है? है 17 नंबर का ए, 343 से 351 तक में है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, बंगलोर में, चेन्नई में, मैसूर में, कहाँ पे है? 18 नंबर का सी, चेन्नई में है। इसके आगे देखते हैं, हिंदी भाषा की किस हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृति, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृतिक, अपभ्रंश हिंदी, पाली, अपभ्रंश पाली, प्राकृति हिंदी, डी में है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृति, कौन सी है? 19 नंबर का ए, पहले आएगा पाली, उसके बाद प्राकृति, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, ए नंबर। 20 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 391 किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा उनकी राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निवेदन, कौन सी होगी? 21 नंबर का बी, उच्चतम न्यायालय भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा। उसके बाद वज्र भाषा है, क्या है? पूर्वी ए नंबर में पूर्वी हिंदी, बी नंबर में पश्चिमी हिंदी, सी नंबर में बिहारी हिंदी, डी नंबर पहाड़ी हिंदी। 21 नंबर का बी, पश्चिमी हिंदी। उसके बाद 22 नंबर, मगही किस उपभाषा की बोली है? 22 नंबर, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, कौन सी होगी? बिहारी, कौन सी होगी? 22 का डी, बिहारी, ठीक है। उसके आगे 23 नंबर क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई?
ए में मगधी, बी में अर्धमगधी, सी में शेर सैनी, डी में ब्राचड़। कौन सी होगा? 23 नंबर का सी, शेर सैनी। सैनी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। किस में हुई थी? 24 का डी, 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। कौन है? पंजाब होगा या राजस्थान होगा या जम्मू कश्मीर या आंध्र प्रदेश? हमारा आंसर डी, आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। 26 नंबर का पूर्वी हिंदी, बी नंबर। 26 आते हैं अब 27 नंबर क्वेश्चन पे। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए निर्णय लिया गया? 27 नंबर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 14 सितंबर 1950 ईस्वी को, 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 27 का सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बी बी जी खेर, सुनीता कुमार चटर्जी, जी बी पंत या पी सुब्रयान। सुब्रयान कौन सा ऑप्शन होगा? तो 28 नंबर का ए नंबर, बी जी खेर। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है अभी कितना है? 29 डी, 22 है। पहले 14 थी, ठीक है। हिंदी की आदि जननी है कौन है? 30 नंबर का संस्कृत या पाली या प्राकृति या अपभ्रंश। कौन सी होगी? 30 नंबर का संस्कृत। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था कहाँ हुआ था? 31 का बी, मॉरीशस में, मॉरीशस में, ठीक है। में उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? कौन नहीं है? मराठी या गुजराती या मलयालम या हिंदी। कौन सी नहीं है? 32 का सी, मलयालम नहीं है। 32 का सी। उसके बाद आते हैं 33 नंबर, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर। 33 नंबर का ऑप्शन बी, 14 सितंबर। विकास की दृष्टि से प्राकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली है या संस्कृत या हिंदी है या अवहट है? 34 नंबर का ए, पाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है कन्नौज या अवधी, बज्र बघेली, छत्तीसगढ़ी, बंगारू, खड़ी बोली या बुंदेली। कौन सा होगा? 35 का डी, खड़ी बोली या बुंदेली, खड़ी बोली और बुंदेली, ठीक है। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। 36 नंबर का
बंगारू, बघेली, बजर भाषा या भोजपुरी? तो बघेली होगा हमारा ऑप्शन, बघेली। ठीक है, 37 नंबर देखते हैं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या नगरी लिपि? बी नंबर में है नगरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। सी नंबर में ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि, देवनागरी लिपि। डी नंबर है गुप्त लिपि, नगरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। कौन सा होगा 37 का ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि, देवनागरी लिपि? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? 38 नंबर कौन सा ऑप्शन होगा, छत्तीसगढ़ी, बघेली, बजर भाषा या अवधी? तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, अवधी। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है, संबंध नहीं है? अवधी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। कौन सी नहीं है बिहारी से संबंधित? 39 नंबर का ए, अवधी। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ का कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राष्ट्रभाषा, लोकभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा। कौन सा 40 का डी, राजभाषा का दर्जा मिला था। 40 का डी देखते हैं। 41 विभाष किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की से शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को विभाषा किसे कहते हैं, ये बोलो। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, 41 का बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 42 नंबर का ए नंबर, 10 जनवरी को। इंशाल्लाह खान द्वारा रचित केतुई का दूसरा नाम है? 43 का बी, उदय भान चरित। चलिए आज हमारा इतना ही, अगले दिन फिर इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे।